अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और हमेशा की तरह कराची के एक ऐसे ही इलाके में पहुँचा हूँ जहाँ पे आपने सुना होगा कि इंडिया का एक शहर है बनारस, जो कि यूपी में आता है और इंडिया के बहुत ज़्यादा मोतबर मुकद्दस शहरों में उसको गिना जाता है। 7 मुकद्दस शहरों में उसका नाम आता है। वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं उसे, और बनारस भी कहा जाता है। बनारस ही नाम था उसका, अब उसका नाम वाराणसी रख दिया गया। तो वहाँ से आई हुई कम्युनिटी, जो बनारसी कम्युनिटी है, वो मौजूद है कराची के अंदर और ये औरंग टाउन का इलाका है। इस इलाके के अंदर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर कारोबारी जो है ना वो लोग हैं, बिज़नेस उसका कपड़े का बिज़नेस करते हैं। तो आज यही कम्युनिटी से मिलेंगे, सवाल जवाब करेंगे और कुछ बनारसी गाने भी सुनेंगे और कुछ बनारसी गुफ्तगू भी करेंगे, ताकि हमें पता आपको पता चल सके कि जो बनारसी रहते हैं कि अपनी ज़बान आज भी वो ज़िंदा रखें अपनी ज़बान को। तो आइए मिलते हैं कुछ बनारसियों से, बनारसी कम्युनिटी से, और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये है सारा बनारसियों का मोहल्ला और साथ साथ ही जो है ना ये मार्केट्स भी हैं। आज तो बंद है और मैं तलाश कर रहा हूँ कुछ बनारसियों को जिनसे बात हो सके। तो चलते हैं, कुछ लोग हैं सामने खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं और बनारसी बोली भी सुनेंगे कि कैसे बोला जाता है। और ये सारा बनारसियों का इलाका है जो बनारस से आके माइग्रेट करके आए थे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, घर खैरियत से हैं? आप बनारसी हैं? जी जी, बनारस। अच्छा, आपसे थोड़ी बातचीत हो जाएगी? जी जी, हो जाएगी। आपका ताल्लुक बनारस से? बनारस से। अच्छा, कब माइग्रेट करके आए थे? आपके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो कब माइग्रेट किया था उन्होंने? इनको तो तकरीबन हो गया होगा 40 साल 50 साल तकरीबन। आप कभी गए बनारस? नहीं, मैं नहीं गया कभी। अच्छा, मेरी तो पैदाइश यहीं की, दादा वालिद साहब ये वहीं के। अच्छा, बनारसी खाने, एक तो पान तो मशहूर, आप खा भी रहे हैं? पान मशहूर, पान आप खा रहे हैं इस टाइम? कौन सा पान खा रहे हैं? पान खा रहे, दौरा यानी दौरा यानी तम्बाकू। यहाँ पे कोई बनारसी पान है मशहूर? बनारसी पान है ये बनारसी साबिर जनरल स्टोर में मिलता है। नदीम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मैं नदीम भाई के पास स्पेशली आया हूँ। कराची में सिर्फ इनके कंधों पे आया हूँ और मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं था। नदीम भाई, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं आपकी स्मार्टनेस का क्या राज है? माशाल्लाह हमेशा आप चमकते धमकते नज़र आते हैं, फिट नज़र आते हैं। हम खाई थे कम और चटर पटर कम करी थे। अच्छा, हम लोग जो है ना घर में कायदे से घर का पका हुआ खावा जाते हैं। अच्छा, यही वास्ते हम लोग की जो है ना फिटनेस है। अच्छा, तो ये खुद धोया जाते कायदे से। अच्छा 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 नदीम भाई, ये बताएं कि आपके जो बुजुर्ग थे वो बनारस से आए थे? जी, सब सब बनारस से, यूपी बनारस से, हम लोग सब यूपी बनारस से हम लोग हैं। हम लोग वहाँ के रहायश हैं, जितने भी हमारे बनारस से। अच्छा अच्छा, यहाँ ज़्यादातर सब 90% यूपी बनारस से हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कभी आप गए बनारस? हम लोग कई दफिर गए। अच्छा, हाँ 1992 में गए। अच्छा, और 2004 में गए, हम लोग वहीं से होकर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे कोई खास रिश्तेदार जैसे होता है ना? हम लोग आधा जो हम लोग का आधा जो है रिश्तेदारी वहीं पर है। हम लोग के खाला पुप्पी सब वहीं पर आए थे। ओहो हो, अच्छा बनारस के अंदर ही सारे? हाँ, हम लोग के वहीं सब मिले जुले वाले सब वहीं पर हैं, आधे तो वहीं हैं, हम लोग यहाँ हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है कि बनारस का, मैंने सुना है कि पान और बनारस का ठग बड़े मशहूर हैं, लेकिन इस बारे में जानते हैं कि ये रिवायत सही है या गलत है? बिल्कुल सही, तो ये मैं पूछता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, नदीम भाई, ये क्या रिवायत सही है? बिल्कुल सही रिवायत है और सही बात है, वहाँ पे यही सब चीज़ मशहूर है, पान है, भोज सब है। और ये ठग का क्या था? ये ठग से कोई ताल्लुक नहीं, ठग एक बेसिकली हिंदू हुआ करता था जो लोगों को ठगता था। अच्छा, तो उन्होंने बनारसी से इसको, जो बनारसी से इनको चिपकाया और वो बनारसी ठग के साथ चलने लगे, लेकिन बनारसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बनारसी ठग से कोई ताल्लुक। वो एक हिंदू था। अच्छा अच्छा, जैसे वो टाइप के नहीं होता, बनिया टाइप के नहीं होते, वो ठगता था सबको, हिंदू था। अच्छा अच्छा, तो वो बनारस से नाम चिपका के उन्होंने लगा दिया बनारसी ठग। अच्छा, शादी ब्याहों की रस्मों के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह की रस्में होती है हमारे त्यौहार यहाँ पे? हाँ, कुछ हमारे बनारस के त्यौहार यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मेहंदी के जो मामलाते हैं, जो हमारे सारे ज़्यादातर बनारसी से रिलेटेड ज़्यादा वहीं के जैसे रिलेटेड मिलते जुलते हैं। अब बहुत सी चीज़ें कम होती जा रही हैं, बच्चे बढ़ लें, आगे बढ़ लें, बहुत सी रस्मात हमारी ख़त्म होती चली जा रही है। अच्छा, ख़त्म होती जा रही है। हाँ, अच्छा आपने देखने वाले बनारसी भाई हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे या दुनिया में जहाँ भी होंगे, बनारसी में कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे? बनारसी मैसेज है भाई, प्यार मोहब्बत से रहो, सब तरफ वहाँ पर भी रहो, यहाँ पर भी रहो, हम लोग सब कम्युनिटी हैं, सब मिल के रहते हैं, सब इतने बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह, सब बड़े भाइयों की तरह हमारे, सब लोग से प्यार मोहब्बत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपका काफ़ी ताल्लुक बनारस कम्युनिटी से? जी जी। अच्छा आप कहाँ से, बनारस शहर से ही हैं आपका ताल्लुक या कहीं आगे पीछे एरिया से? नहीं, हम लोगों की तो खैर पैदाइश यहीं की है। वैसे जो बुजुर्ग थे माँ बाप जो थे वो बनारस में रहते थे, इंडिया शहर बनारस में। इंडिया के शहर बनारस जो पाकिस्तान बना तो माइग्रेट करके यहाँ आ गए। अच्छा 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 अच्छा। ये बताएँ कि आपके कोई ख़ास रिश्तेदार बनारस में अभी रहते हैं? हाँ, मेरे चचा रहे थे मैं। अच्छा। हमारे चचा रहे थे वहाँ, चची रहती हैं हमारी और भाई वगैरह भी रहते हैं। अच्छा, क्या आपके बच्चों को अब आती है बनारसी ज़बान? हाँ हाँ, हम लोग तो यहाँ घर में जो है बनारसी ही ज़बान बोली थे। अच्छा। वो हमारे बच्चे जो हैं वो भी बनारसी ज़बान बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बनारसी खानों के बारे में बताएँ कि हर जो कल्चर होता है उसकी अपनी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। बनारसी जो खाने होते हैं वो कौन से हैं? हम लोग की तो यहाँ बनारसी बिरयानी बहुत मशहूर है। अच्छा, बनारसी बनारसी बिरयानी बहुत मशहूर है। तो अगर हम लोग यहाँ वहाँ जाएंगे ना, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगी। अच्छा। आगे पीछे आप दुकानों पे जाएंगे, हाँ, तो हम लोग को वहाँ मिलेगी। एक और सर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपका बताएं कि आपका भी बनारस से ताल्लुक? जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी कम्युनिटी बनारसी कम्युनिटी यहाँ पे इस टाइम पे, ये औरंग टाउन का इलाका है, इसके अलावा यहाँ तो खैर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी बनारसी और कहाँ कहाँ पे हैं? हमारे जितने भी लोग वहाँ से बनारसी से इंडिया से आए हैं ना, जो भी लोग आए हैं सब बनारसी, जितने भी हैं सब इंडिया में भी से आए, जो भी लाहौर में भी कुछ हैं, हम कुछ कराची में आ गए हैं, तो बहुत से लोग यहीं पे हैं, तो कुछ औरंगी में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ औरंगी टाउन में हैं और न्यू कराची में बहुत से लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब एक साथ रहते हैं। तो मतलब हमारी ज़्यादातर आबादी अभी हम लोग की बनारसी आबादी ज़्यादातर ये औरंगी टाउन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने बनारसी में जवाब देना है मुझे। आप, मैं उर्दू में बात करूंगा। अच्छा, आपका आपके जो पेरेंट्स थे वो बनारस से आए थे या आपकी पैदाइश वहाँ की थी? नहीं, हमारी जो है ना वालिद और वालदा जो है ना वहाँ से, इंडिया से बनारस से ये कराची आई थी। अच्छा। और हमारी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, कभी गए बनारस आप? हाँ, दो बार गए हैं। अच्छा माशाल्लाह, कौन कौन सी जगह पे घूमे हैं बनारस? अरे बनारस में भदोही है जहाँ कालीन का काम होता है, और ये बनारस है जहाँ साड़ियों का काम होता है। बनारस का कौन सा इलाका है जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर वाले रहते थे पहले? हमारे घर वाले रहते थे कमनगढ़ा पर। कमनगढ़ा पर? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने अपने बच्चों को बनारसी ट्रांसफर किया जबान? नहीं, जबान घर पे बोलते हैं, बाकी तो आप नहीं बोल रहे अभी? अरे हम भी बोली थे लेकिन घर में बोली थे। नहीं, इधर भी बोले ना, सुनने वाले भी तो बनारसी। अरे थोड़े समझ में नहीं आई है जब हम बोलेंगे। अच्छा। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ औरंग टाउन के रहते हैं। नहीं, आपके पीछे से कहाँ से आप अजदाद? इंडिया में कहाँ से? इंडिया से। हाँ, इंडिया बनारस से। बनारस से। अच्छा, आप कभी गए बनारस? हाँ। कौन सा इलाका बनारस का? बनारस काशी बनारस। नहीं, काशी बनारस भी बोलते ना। हाँ। वहाँ का इलाका कौन सा जिससे अंकल ने बताया था कि आप? यह औरंगी टाउन है। हाँ। मोहल्ला जो है ना बाजार सदानंद था। अच्छा, बाजार सदा? बाजार सदानंद। सदानंद? हाँ। अच्छा, सदानंद बाजार है। तो आपकी पैदाइश यहाँ की है, कराची की है? हाँ। तो आपके बुजुर्ग जो है वो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे? हाँ। तो ये बताएं कि वहाँ पे रिश्तेदार अभी आप रहते हैं, किसी से रास्ते में रहते हैं? रिश्तेदार लोग हैं। अच्छा, कौन रिश्तेदार में? रिश्तेदार में है हमारे बहुत बड़े भाई के पुत्र लोग हैं। अच्छा अच्छा। कोई भतीजा नहीं है ना, कोई भाई है। अच्छा, भाई हैं बड़े? मैं अकेला यहाँ हूँ। अच्छा, आप अकेले हैं, बाकी सब उधर हैं? सब उधर हैं। ओहो, तो याद नहीं आती आपको? याद आती है तो क्या करेंगे? नहीं, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश तो किया, एक दफा गए। अच्छा, हम यहाँ से ही गए थे, उसके बाद फिर नहीं गए। उसके बाद नहीं गए? नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आपका। आपके जो पेरेंट्स थे वो या आपके दादा आए थे बनारस से? कौन? बनारस से आए हैं हमारे दादा सारे। दादा आए हैं, हमारी अम्मा आए हैं, हमारे अप्पा आए हैं, सब बनारस से हिजरत करके आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप कभी गए वहाँ बनारस? नहीं, हम तो नहीं गए कभी, लेकिन हमारे घर वाले गए। अच्छा, तो ये बताया कि वहाँ पे रिश्तेदार कौन है आपके, कौन कौन रहता है? हमारे चाचा रहते हैं उधर। अच्छा। हमारे मामू लोग रहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारस में रहते हैं अभी? जी रहते हैं। तो वो आए कभी इधर? हाँ, वो भी आए, वो आते हैं कभी, मुलाकात होती है। तो खानों की अगर बात की जाए, एक तो बिरयानी तो हो गई मशहूर, हमारी बनारसी बिरयानी और बनारसी सेवइयां। हाँ, बनारसी सेवइयां भी होती है? बनारसी सेवइयां। अच्छा, उसमें क्या अलग होता है उसके अंदर? बस वो घी वगैरह बनती है, उसमें चीनी ज़्यादा होती है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है बनारसी में, खोया वगैरह ज़्यादा होता है नमन। अच्छा अच्छा, अच्छी चीज़ होती है वैसे, हमारे बनती वही है ईद में। अच्छा, ईद में वही सब चीज़ें बनती है। ये है औरंगी टाउन का सारा इलाका, 7 नंबर
8 नंबर और 9 नंबर जहाँ पे हम खड़े थे वो 9 नंबर था चौक, और ये चौक, ये चौक है पूरा, वो 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, और ये 9 नंबर का इलाका था ये मार्केट का। और ये तमाम जो है ना यहाँ पे जो बनारसी कम्युनिटी, इस सारे एरिया में बनारसी कम्युनिटी है। कुछ लोगों से मैंने बात भी की, आइए आपको साथ मोहल्ला भी दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं पहली दुकान बनारसी थी। अच्छा ये सारे बनारसी थी। कैसे थे अंकल? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल आप पहले आदमी मुझे लुंगी में नजर आए। अच्छा लुंगी पहनावा है खास बनारस का? आप बनारसी हैं जी। अच्छा लुंगी क्यों पहनते हैं? हमारा सेठ खड़ा हुआ है इससे पूछते हैं। नहीं लुंगी क्यों पहनते हैं ज्यादा? ये पहनने की आदत पड़ गई, खास वहाँ का पहनावा है। पेशाब पैखाने के लिए बहुत आसाई से। चले ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। ले जी बताया कि लुंगी जो है बड़ा खास पहनावा होता है, ये सारे मोहल्ले और बड़ी बड़ी क्योंकि पैसे वाले और कारोबारी लोग हैं। आइए और अंकल कुछ बैठे हैं यहाँ भी, अंकल से कुछ बात करेंगे चल के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा आप सब बनारसी? अच्छा अंकल ये बताएं कि बनारस के जो लोग होते हैं वो लुंगी क्यों पहनते हैं? ये लुंगी उनके बाप दादा पहनते चले आए हैं, इनके बाप दादा जो पहनते चले आए वो पहनते हैं। तो आप अभी भी पहनते हैं? आप मतलब पहनते हैं लेकिन आप नई नस्ल, वो तो पैंट वगैरह, वो तो पैंट वगैरह पहन रही है। आप बोलिएगा, अभी पान मुंह में बनारसी पान खा रहे हैं? पान नहीं खा रहे हैं, पान नहीं खा रहे हैं। मैं तो मतलब की हम जो तुम्हें कहा बतावे हम, तुम्हें समझ में ना आई है? आएगी आएगी आएगी। हाँ हाँ नहीं नहीं तुम्हें समझ में नहीं आई है? तो कुछ वो उर्दू बोले वाले हो? नहीं नहीं आइए बतिया, हम उर्दू बोले वाले नहीं है। वही पूर्वी हमें सुन लो तो हम सुना दे। अच्छा आपको पुराना गाना वो सुनाए बनारसी? बनारसी पुराना गाना वो पूर्वी गाना होता है। तुमरे पहिया पर अब और मर जाइबे हम, तुमरे पहिया पर अब और मर जाइबे हम, तुमरे पहिया पर अब और मर जाइबे हम, जिंदगी अपनी अनमोल कर जाइबे। क्या जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा आपकी पैदाइश यहीं की है बनारस की? यहीं की है, यहीं की है। तो आप बनारस का आपको पता है कौन से इलाके से आए थे घर वाले? हाँ मतलब की हम लोग आते थे ये बनारस अलीपुर स्टेशन। अच्छा अलीपुर स्टेशन से? अच्छा अच्छा यूपी बनारस, यूपी बनारस। चले बहुत शुक्रिया। ये देखें जी ये तमाम जो मोहल्ला है काफ़ी सारे यहाँ पे लोग जो है ना, आपसे बात करें क्या बात है? आप भी लुंगी पहनते हैं? हाँ। अच्छा लुंगी और तहमत में क्या फ़र्क होता है? तहमत लुंगी एक ही है, एक ही चीज़ होती है। अच्छा ये खास पहनावा है बनारस का जैसे आपने लुंगी पहनी है? अच्छा एक लुंगी पहनते हैं मारवाड़ी भी पहनते हैं और एक हम बनारसी देखते हैं बनारसी भी पहने हुए हैं, तो बंगाली भी पहनते हैं, तो इन तीनों में कोई फ़र्क होता है या एक जैसी होती है? फर्क होता है, फर्क होता है, अलग उनका अलग होता है, हम लोग अलग होता है। अच्छा अच्छा तो आप ये समझते हैं कम्फर्टेबल होता है ड्रेस ये इस तरह पहनने में? हाँ इसी तरह। ले जी ये था आज का सारा सफ़र बनारसी मोहल्ले का जो मैंने आपको दिखाया, औरंगन टाउन का ये इलाका जो है 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, ये तकरीबन जो ना सारे बनारसी इधर जो ना रहते हैं लोग, और सबका ताल्लुक जो है वो कारोबारी कम्युनिटी से है। बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और कारोबार करते हैं, बनारसी कपड़े का कारोबार सबका है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और स्पेशल थैंक्स नदीम भाई का करना चाहूँगा मैं, और आपको अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं नदीम भाई का जो सिस्टम है सारा जो कपड़े का जो बन रहा है जिस तरीके से, इनकी शॉप है बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में अल रहीम के नाम से, अल रहीम ब्रदर के नाम से नदीम भाई का सारा कारोबार है, वो मैं आपको विजिट कराऊंगा, कारखाना दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम चल रहा है, अगली वीडियो में वो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।